Good morning, students. Now we will study chapter 7, that is electricity. Electricity जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बिजली. यदि ये चली जाती है तो हमारा जी ऐसा घबराने लगता है. यदि लाइट चली जाए, है ना, पंखे बंद हो जाए, मशीनरीज ने यदि काम करना बंद कर दिया तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कौन से पुराने सालों के दिनों में चले गए. कैसे पुराने लोग कैसे बिना लाइट के रहते थे. हमें पता है ये जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, जिसके कारण हमारे घर के सारी मशीन्स चलती है. हमारे घर में उजाला इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है. फैन चलता है, वॉशिंग मशीन काम करती है, फ्रीज काम करता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमारे घर में हैं वो सारे काम करते. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. तो इसकी खोज होने के पहले लोग कैसे अंधेरे में रहते थे पता नहीं. वी कैन नॉट इमेजिन. आधे घंटे के लिए भी यदि लाइट चली जाती है तो हमारा जी घबराने लगता है. तो हम सोच सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये बिजली जो है, हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है. और गर्मी के दिनों में उसमें और यदि लाइट चली जाए तो हमारा जी ज़्यादा घबराने लगता है. तो दिस इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नाउ अ डेज द पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का ये एक हिस्सा हो गई है. हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी के. हमारे सारे काम तो उसकी हेल्प से ही होते हैं. हम जो कुछ भी काम करते हैं उसमें हमको इस इलेक्ट्रिसिटी की हमें मदद लगती है. तो दिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर विल स्टडी इन डिटेल इन दिस क्लास. इलेक्ट्रिसिटी इट इज नथिंग बट द, दैट इज व्हाट वी से, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट. हम बोलते हैं कि इसमें करंट नहीं आ रहा है. हमारे घर में जो वायरिंग है, जहाँ पर ट्यूबलाइट लगी है, पंखे लगे हैं, एसी लगा हुआ है, और वहाँ से हम देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक की लाइन जाती है. हम बोलते हैं कि जो पाइप है इसमें से वायर जा रहा है, और इस वायर के अंदर जो बहता है वो क्या है, करंट है. जो बहता है वो करंट है. जैसे आपने देखा होगा कि आप मोटर का पंप जो है शुरू करते हैं तो पाइप में से पानी नीचे यदि नल आया है, आपको ऊपर की टंकी में पानी चढ़ाना है, तो आप जैसे ही नीचे मोटर ऑन करेंगे तो उस पाइप में से पानी बहता है और वो पानी फ्लो होते हुए ऊपर की टंकी को भर देता है. तो जैसे आप मोटर चालू करते हैं और पाइप में से पानी बहता है और आपके ऊपर की टंकी भर जाती है, वैसे ही जब हमारे घर में हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो वायरिंग वहाँ से पूरे घर में गई है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होती है, एक करंट फ्लो होता है. करंट फ्लो होता है और उसी के कारण हमारी ट्यूबलाइट जलती है, उसी के कारण हमारे पंखे चलते हैं, उसी के कारण हमारा फ्रिज काम करता है, हमारा मिक्सर काम करता है. सारी चीज़ें, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमारे घर में जो कि बिजली से चलते हैं, वो सारे काम करते हैं. तो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ करंट. करंट दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मतलब उस वायरिंग में से इलेक्ट्रिसिटी जाती है. आप कभी वायर को हाथ लगाएंगे, करंट ये नाम तो आपने बड़े अच्छे से सुना है कि अरे बाप रे उसको तो करंट लग गया, उसने वायर को हाथ लगा दिया तो उसको करंट लग गया. ऐसे होता नहीं है. करंट जब फ्लो होता है वायर में से तो एक वायर का जो मटेरियल वो इंसुलेटर होता है. आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको नहीं होगा, आपको करंट नहीं लगेगा. पर हाँ, यदि उस वायर में कहीं डैमेज है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको करंट लग सकता है. ओपन स्विच को यदि आप गीले हाथ लगा देंगे, या प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, यदि ओपन स्विच है, गीले हाथ आपने लगा दिए तो आपको करंट लग जाएगा. तो ये जो करंट लग जाएगा, हम बोलते हैं शॉक लग जाता है, करंट लग जाता है. कई बार करंट लगने से पीपल में डाय, लोग मर भी जाते हैं. तो दैट करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब वायर में से क्या बहती है, इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि पाइप में से पानी बहता है, वैसे उस वायर में से क्या बहता है, इलेक्ट्रिसिटी. दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज करंट. और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यदि थोड़ा सा पिछला यदि मैं आपको बताऊँ तो आपने पढ़ा है कि जब हमने एटम मॉलिक्यूल ये पढ़ा है तो उसमें हमने वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल में हमने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ा है. तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये जो है करंट, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है. हमारे घर के सारे काम जो है इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हमारे घर में हम सारे काम करते हैं. अब ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी वायर में से फ्लो होगी. जैसे हम बोलते हैं पानी कितना पाइप में से जाएगा,
जैसा पंप प्रेशर बनाएगा बनेगा वैसा पानी जो है पाइप में से जाएगा, तो वैसे ही प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसका प्रेशर क्या है, दैट इज द वोल्टेज। वायर में से यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उस करंट का क्या प्रेशर है, व्हाट इज द प्रेशर, हाउ मच इज द प्रेशर ऑफ दैट करंट, दैट इज द वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। आपने देखा होगा अधिकतर जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बाहर से पोल से हमारे घर में आता है तो कई बार वोल्टेज जो है कम ज़्यादा होता है। वोल्टेज कम ज़्यादा होता है वो हमको कैसे पता चलता है, यदि कूलर चल रहा है तो यदि वो जिस स्पीड से चल रहा है वोल्टेज कम हो जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या यदि आपका मिक्सर चल रहा है तो उसकी आवाज़ एकदम धीरे हो जाएगी, उसका चलना जो है थोड़ा उसकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी, है ना। तो वोल्टेज कम हुआ है मतलब कि वोल्टेज यदि कम होता है तो जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है उसकी वर्किंग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए पहले जब टीवी चलते थे तो टीवी के ऊपर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया जाता था। स्टेबलाइजर एक छोटा सा बॉक्स होता है, ये स्टेबलाइजर उसके ऊपर लगाते थे, फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर लगाते थे। वो स्टेबलाइजर क्यों लगाते थे, क्योंकि इफ़ करंट एक्सीड्स इट्स लिमिट, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है जो वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है यदि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, करंट यदि हाई वोल्टेज करंट वायर में से आ गया तो इट मे डैमेज योर वायरिंग, इट मे डैमेज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यदि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो आपके अंदर घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो बिजली से चल रहे हैं वो खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। और यदि वोल्टेज कम हुआ तो भी वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। वोल्टेज कम होगा तो बल्ब यदि जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है तो बार बार बंद होगी चालू होगी, बंद होगी चालू होगी, है ना। आपका वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगी, आपका कूलर काम नहीं करेगा वोल्टेज कम होगा तो। वोल्टेज यदि ज़्यादा होगा तो वो जल भी सकता है, अंदर की वायरिंग उसकी जल भी सकती है, हमारे घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये वोल्टेज ज़्यादा होने से इक्विपमेंट्स खराब ना हो, डैमेज ना हो, वोल्टेज कम होने से भी कुछ फर्क न पड़े, इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है फ्रिज के ऊपर टीवी के ऊपर लगाया जाता था। तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करता है, उस वोल्टेज को एक बैलेंस बना के रखता है जिसके कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो खराब नहीं होते। तो वोल्टेज मतलब क्या है, एक्चुअली वोल्टेज मीन्स इट इज़ द प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द वायर। और ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मेजर करने की यूनिट कौन सी है, वोल्ट। जैसे हम मेज़र करते हैं ना, चीज़ों को मेज़र करते हैं, 1 किलो 2 किलो, 1 लीटर 2 लीटर, 50 ग्राम 10 ग्राम, 1 तोला 2 तोला। तो ये जो तोला, ग्राम, लीटर, मिलीग्राम, किलोमीटर, ये जैसे यूनिट है, तो ये अलग अलग यूनिट है अलग अलग चीज़ें मेज़र करने की। डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम किलोमीटर में मेज़र करेंगे, तो किलोमीटर क्या हुई, यूनिट हुई। क्वांटिटी मेजर करना है तो हम ग्राम में, किलोग्राम में, मतलब किलोग्राम क्या हुआ, यूनिट हुई। वैसे ही जो फ्लो हो रहा है करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, उसको यदि हमें मेजर करना है तो उसको हम मेजर करते हैं कौन से यूनिट में, वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और इस वोल्ट को हम वी, इसका सिंबल क्या है, वी। तो वोल्ट को हम वी में लिखते हैं, और जो फ्लो प्रेशर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द वोल्टेज। अब हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काम करते हैं उसमें आपने देखा होगा या तो वो सेल से चलते हैं या बैटरी से चलते हैं। मैंने दो वर्ड यूज़ किए यहाँ पर, सेल और बैटरी। आपने देखा होगा कि हमारे घर में टॉर्च है तो टॉर्च के अंदर सेल होते हैं, टॉर्च के अंदर दो सेल होते हैं, घड़ी के अंदर भी सेल होता है, उसमें एक छोटा सा सेल होता है। बैटरी, बैटरी से हमारे टॉर्च चलते हैं, बैटरी से तो गाड़ियाँ भी चलती है, बैटरी होती है गाड़ी के अंदर, फोर व्हीलर के अंदर चलती है तो उसमें बैटरी होती है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस सेल एंड द बैटरी। दिस सेल मीन्स इट इज़ द सिंगल सेल। ये सेल जो है इस तरीके का होता है जिसमें कि ऊपर वाला जहाँ पर इसका थोड़ा सा उभार है, दैट इज़ द प्लस एंड दिस इज़ द माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल, सिंगल सेल। पर इस सिंगल सेल के अंदर भी उतना वोल्टेज होता है, इसके अंदर उतनी इलेक्ट्रिसिटी है कि ये सिंगल सेल से भी आपका कुछ ना कुछ इक्विपमेंट जो है काम कर सकते हैं। एक सेल से भी कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काम करते हैं। पर जहाँ पर हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारा काम सिर्फ एक सिंगल सेल से नहीं हो सकता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि रेडियो में या टॉर्च में दो सेल होते हैं,
कहीं कहीं पर दो से ज़्यादा भी होते हैं, चार भी होते हैं, और इससे भी बड़ी बड़ी बड़े बड़े होते हैं, और एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो मोर देन सिंगल सेल व्हेन दे जॉइन टुगेदर दे फॉर्म द बैटरी। एक से ज़्यादा सेल जब आपस में मिलेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, बैटरी। सिंगल सेल यदि है तो दैट इज द सेल, पर ये एक से ज़्यादा सेल जब आपस में मिलते हैं तो दे कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर एंड दे फॉर्म द बैटरी। अब ए पाथ अलॉन्ग विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। अब टॉर्च के अंदर आपने सेल लगा दिया, एक से ज़्यादा सेल लगते भी टॉर्च जल नहीं रहा है, एक सेल लगाने से मतलब आपको कम से कम दो या तीन लगाना है, मतलब वो बैटरी हो गया। सिंगल सेल है तो वो सेल, और एक सेल से ज़्यादा है तो बैटरी। अब आपने बैटरी भी लगा दी और जैसे आपने ऑन किया टॉर्च जलने लग गया, तो द पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जैसे आपने घर में स्विच ऑन किया तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हुए पंखे तक गई, ट्यूबलाइट तक गई, और आपका पंखा चलने लग गया, आपकी ट्यूबलाइट चलने लग गई। तो ये जो रास्ता है जिसमें से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, द पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पाथ या सर्किट, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट। पाथ जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं सर्किट। अब ये जो सर्किट है, मतलब आपने स्विच ऑन किया, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, वो ट्यूबलाइट तक गई, ट्यूबलाइट आपकी जलने लग गई, आपने स्विच को ऑन किया, तो आपको ट्यूबलाइट को जलाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। ट्यूबलाइट को जलाने में सबसे पहले तो आपके घर में ट्यूबलाइट होना चाहिए, फिर वो ऑन हो या ऑफ़ हो, मतलब वो आपको लाइट देगी कि नहीं देगी, उसके लिए आपको ऑन ऑफ स्विच होना चाहिए, और ऑन ऑफ स्विच करने के बाद भी वो जो ऑन ऑफ स्विच करने के बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसको फ्लो होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वायर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको ट्यूबलाइट यदि जलाना है, बल्ब यदि जलाना है, पंखा यदि जलाना है, तो आपको सबसे पहले तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, मतलब वो आपकी बैटरी हुई, या तो वो आपकी बैटरी हुई या सेल हुआ, मतलब सोर्स लगा। उसके बाद वो पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, मतलब वायर हुई। फिर इलेक्ट्रिसिटी कितनी देर तक चाहिए, उसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमारे पास में वायर होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, और बैटरी या सेल होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि ट्यूबलाइट को जलाना है तो सबसे पहले तो घर में ट्यूबलाइट होना चाहिए, फिर ट्यूबलाइट का आपने फिटिंग कर दिया तो ट्यूबलाइट तक करंट कहाँ से आएगा, तो ट्यूबलाइट तक करंट को लाने के लिए वायर ज़रूरी है। फिर वायर में से करंट ट्यूबलाइट तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए आपके पास में ऑन ऑफ स्विच होना चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। तो दीज थ्री कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक सर्किट, वायर, स्विच एंड सेल। अब ये सेल में जो है दो टर्मिनल्स होते हैं, अभी मैंने बताया आपको, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। अब जो डिफरेंट साइंस हम यूज करते हैं, चिन्ह हम अलग अलग यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट से अलग अलग चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स जिसको हम बोलते हैं, उसको बताने के लिए। जैसे यहाँ पर सेल है तो द बिगर लाइन इट शोज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द स्मॉलर लाइन शोज द निगेटिव टर्मिनल, दैट इज अ सेल। अब जब एक सेल के काम नहीं हो रहा और एक से ज़्यादा सेल लगाना हो तो मोर देन वन सेल इट बिकम्स द बैटरी, उसको हम बोलेंगे बैटरी। तो बैटरी में ये देखो पॉजिटिव निगेटिव, एक से ज़्यादा सेल लग गए इट बिकम्स बैटरी। फिर आपको सोर्स चाहिए, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, जिसको भी आपको चलाना है।